आपका क्वेश्चन है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब हमारा किससे बनता है? स्क्वायर से, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है नाउ, तो इसके अंदर आपका एल भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है एंड विड्थ भी सेम है। तो वी कैन से एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, दैट इज योर क्यूब। ठीक है नाउ, नाउ कम्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, नाउ लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या होता है? इट इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है नाउ, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4a² 4a² ठीक है नाउ, टोटल सरफेस एरिया वी विल राइट इज एज TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो इसके अंदर आपका क्या होगा? इंक्लूडिंग द टॉप एंड द बॉटम। इसके अंदर टॉप एंड बॉटम नहीं होगा लेटरल में, ओनली फोर वॉल्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो इट कंटेन्स 6a². ठीक है नाउ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 10 हियर, दिस इज योर ए, दैट मीन्स साइड एज और साइड, यू कैन से साइड। तो साइड इज ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई वी कैन से ए। तो ए हमने लिखा, तो आप देखो क्या आ रहा है, 4 into a² दैट मीन्स 10² दैट इज इक्वल टू 4 into 100, कितना हो गया? 400 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है नाउ, इन टीएसए, टीएसए में आपका क्या होगा? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड नाउ, तो आपका होगा 6 into 10² तो 6 into 10² इज 100, दैट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर² इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना है।